ये देखें वो कितनी लंबी वादी है दीर वाली, थोड़ी लो लेवल की फीलिंग आती थी पावर को लेके। 30 kg 30 kg मैंने पीछे बांधा हुआ है लगेज है, और इधर आके जीडी वाले ने कुछ बताया है। और अगर राइड की वैसे ओवरऑल बात करता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओटी फिल्म्स, मैं हैदर अली ओटी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस वक्त चित्राल सिंदूर पोलो फेस्टिवल और हंजा वैली के टूर पर निकला हुआ हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपर दीर, तो अपर दीर से आगे फिर टनल क्रॉस करके मैंने पहुँच जाना है चित्राल। तो अगर अपर दीर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। इससे पीछे गर्मी थी लेकिन इधर बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इधर आके जी डी वांडर ने कुछ बताया है, उसने ये बताया कि मैं 110 हूँ और हाइट भी ज़्यादा हो गई है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उसमें फ़र्क आता है, तो कंबस्टन में फिर फ़र्क आ जाता है, तो थोड़ी पावर लूज़ कर जाती है कोई भी बाइक हो। तो 110 ने भी थोड़ी सी पावर लूज़ की है, लेकिन थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं की। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करता हूँ जी डी वांडर की, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, A1 है। अभी तक मैं तकरीबन 800 किलोमीटर कर चुका हूँ जब से निकला हूँ, तो 800 किलोमीटर में मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। काफ़ी दिखने में इतनी पावरफुल लगती नहीं है जितनी ये पावरफुल है। ये देखें ये भी आराम जा रही है आगे चित्राल की तरफ, देखने में इतनी पावरफुल लगती नहीं है लेकिन ठीक ठाक पावरफुल बाइक है। जब उधर मैंने यूज़ किया था इसको पंजाब वाली साइड पर अपने फैसलाबाद वाले एरिया में, तो मुझे लगता था कि कुछ हल्की बाइक है ऐसे, मतलब जैसे ना थोड़ी लो लेवल की फीलिंग आती थी पावर को लेके। लेकिन अभी इधर आया हूँ तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। मैं पहले इससे पहले 150 में भी आ चुका हूँ, मैंने वो नरान कगान और दूसरा नीलम वैली कश्मीर वगैरह वो 150 भी मैंने टूर किए हुए हैं, लेकिन इसने भी मज़ा दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप कह दें कि थकी है फारग है, ये बात नहीं है, ठीक ठाक इसने मुझे वैसे तो मज़ा दिया है, मैंने काफ़ी इंजॉय किया इस पर टूर। और अगर राइड की वैसे ओवरऑल बात करता हूँ तो क्या ही खूबसूरत, बड़ी मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा इसकी कंफर्टेबल राइड है। आपकी तशरीफ तो थक जाती है क्योंकि आपने कुछ 6-8 घंटे लगातार बैठना है, तशरीफ तो थकनी थकनी है, लेकिन जो वाइब्रेशन को लेके, साउंड को लेके, और दूसरा मज़ीद मतलब अगर बात करूँ तो बहुत ही कमाल की राइड है इसकी, मैं कहता हूँ इसने मज़े करवा दिए। और चले बाकी अब आगे निकलते हैं, तो लवारी टनल पर जाकर फिर आपसे बात होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने मेरे इस टूर की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। ये दीर सिटी क्रॉस कर रहे हैं, और दीर सिटी क्रॉस करके आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि पीछे सफ़र कैसा गुजरा है और आगे आने वाला सफ़र कैसा है, और बाइक की क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसके अलावा ये जगह कैसी है, इलाका कैसा है, कितना खूबसूरत है, ये वीडियो क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं संगी? क्या सुनाऊंगा? अमल मुस्तफा माशाल्लाह। चित्राल ऐसा नाम था मोहम्मद मुस्तफा, जमा नाम हैदर था, हैदर। चल धीर सिटी से निकल के मैं छाँव में खड़ा था, तो ये छोटे दोस्त से, नन्हे दोस्त से मुलाकात हो गई है, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा था, उसको आपने देखा एक टॉफ़ी गिफ्ट की है, और उसने पूछा है किधर जा रहे हो, मैंने कहा मैं चित्राल जा रहा हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, सरसब्ज़ और शादाब वैली है, खूबसूरत वादी है। और इससे पहले पीछे जो चढ़ाइयाँ थी वो इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं थी, तो अभी चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा स्टीप हो गई हैं। इधर आके इधर एलिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को जा रही है। दीर सिटी में जैसे मैंने दीर सिटी क्रॉस की है, तो उसके बाद अब एलिवेशन जो है वो 5000 फुट से ऊपर जा रही है, 5500 के आसपास होगी, और जैसे जैसे आगे जाना है ये 6000 7000 8000 फुट की तरफ जा रही है। और इधर बाइक का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगा है, और
इतनी ज़्यादा हाइट पे थोड़ा सा ऑक्सीजन का कंपोनेंट है जो एयर में, वो कम हो जाता है, तो 5-10% का फ़र्क पड़ जाता है। तो उसकी वजह से बाइक ने मिसिंग भी की है, और उसके अलावा थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लग रहा है बाइक का ना, लेकिन फिर भी ये है कि बाइक ने मसला कोई नहीं किया, थोड़ा सा ज़ोर ज़रूर लगा है। और ये देखें कि छोटी सी डोली बना के लटकाई हुई है, ये ऊपर से सामान के ऊपर से सामान नीचे घर तक लेके जाते हैं। अच्छा, तो मैं बाइक की परफॉर्मेंस की बात कर रहा था कि मिसिंग की है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी पावर लूज़ की है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर लूज़ नहीं की कि आप बंदा कह जाए कि बिल्कुल बाइक बैठ गई है। ये जितनी मतलब मासूम किस्म की बाइक लगती थी उधर पंजाब वाली साइड पे, उतनी मासूम ये है नहीं, ठीक ठाक पावर दे रही है। मेरा भी तकरीबन 75 kg के पास वेट है, और उसके अलावा तकरीबन 30 kg मैंने पीछे बांधा हुआ है, लगेज है, तो उस हिसाब से बाइक मतलब काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अगर मौसम की बात करता हूँ तो धूप तो निकली है, लेकिन काफ़ी प्यारा मौसम है, ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं है, ठंडी हवा आ रही है। ये देखें ये वादी कितनी खूबसूरत है। अभी आपको रुक के भी एक आध मैं क्लिप दिखाता हूँ, ये देखें वो कितनी लंबी वादी है दीर वाली, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी है। ये आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे ऊपर देख रहे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है, और नीचे नाला भी है पानी वाला। तो ये सारी वादी लंबी की लंबी वादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आगे की बात करता हूँ तो आगे एलिवेशन जो चढ़ाई है वो ज़्यादा आ रही है, हाइट ज़्यादा आ रही है, तकरीबन 6000 फीट पे हम पहुँच चुके होंगे। और उसके साथ साथ आगे जो लवारी टनल है वो थोड़ी रह गई है, तकरीबन 10-12 किलोमीटर होगी लवारी टनल। तो लवारी टनल पे सुना है बाइक लोड करना पड़ती है, तो बाकी पता करते हैं, एक दो लोगों से पता किया था, कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला कि बाइक क्यों लोड करना पड़ती है, लेकिन चलें चल के देखते हैं। फ़िलहाल तो ये आप इलाका जो है वो एंजॉय करें, देखें कितना सब्ज़ा है, बहुत सरसब्ज और शादाब है, मौसम भी ठंडा है। मैं आपको रुक के एक क्लिप बना के दिखाता हूँ, ये देखें ये जिधर मैंने कोई 2 मिनट का वीडियो क्लिप शूट किया था अपना, इधर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ये वो वाली जगह है, ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हवा है इधर। तो जब फैसलाबाद से लाहौर से निकल के आते हैं तो उधर मिट्टी धुआँ ये वो सब कुछ बंदा पीछे छोड़ के आता है, तो ये इधर आके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है, काफ़ी मतलब बेहतरीन महसूस होती है। ये नीचे पानी की गुजर गया, पानी भी जाता है, तो नाले का रास्ता है, ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये अपर दीर है, अपर दीर वैली आप देख रहे हैं। और ये इसके अलावा ये पीछे मैंने थोड़ी देर पीछे स्टे किया था, तो मैंने तब ये क्लिप बनाया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। ये मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी स्टे करने की, थोड़ा रेस्ट करने की, तो ये वामी नेशनल पार्टी वालों ने एक जगह बनाई हुई थी, उनका झंडा लगा ऊपर, और इधर मैंने बाइक खड़ी की छाँव में, और साथ में ये चबूतरा बनाया लेटने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह थी, तो इधर मैंने आराम किया। ये आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये मतलब काफ़ी खूबसूरत है।